हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। इस वीडियो में हम इंडिया गेट से जुड़ी पूरी जानकारी देखेंगे। इंडिया गेट राजधानी दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा 10,000 भारतीय सैनिकों की याद में करवाया गया था, जो कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध, अफगान युद्ध और अन्य युद्धों में शहीद हुए थे। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं और उन्हें समर्पित अंग्रेजी भाषा में वाक्य भी लिखे गए हैं। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, 1930 में यह बनकर तैयार हो गया। इसे भरतपुर राजस्थान से मंगाए गए लाल पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन ल्यूटेंस के द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने लगभग 66 युद्ध स्मारकों का डिजाइन तैयार किया था। एडविन ल्यूटेंस के द्वारा ही डिजाइन किया गया एक और स्मारक पेरिस का आर्क डी ट्रम्फ इंडिया गेट से काफी मिलता जुलता है। 1939 में ठीक इंडिया गेट के सामने बने छतरी पर ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉर्ज पंचम की एक मार्बल की मूर्ति लगाई गई थी। आजादी के बाद 1958 में इसे हटा दिया गया और तब से लेकर 2022 तक यह छतरी खाली ही रही। 8 सितंबर 2022 को इस छतरी पर द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई। इंडिया गेट का परिसर लगभग 3,06,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक पहुंचने वाले 3 किलोमीटर लंबे मार्ग को अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी वर्ष इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। हर वर्ष गणतंत्रता दिवस की परेड इसी रास्ते से गुजरती है। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक नीचे अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई, जिसे हाल ही में यहां से हटा दिया गया है और इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ के लव को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मर्ज कर दिया गया है। इंडिया गेट के पास में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है, जो कि 2019 में बनकर तैयार हुआ था और यहां लगभग 26,000 सैनिकों के नाम भी लिखे गए हैं। यह स्मारक उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता है जो कि युद्ध में अपना बलिदान दे चुके हैं। यहां एक राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय भी है, साथ ही इसके बगल में परम योद्धा स्थल भी है, जहां मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह और कैप्टन मनोज पांडे सहित 21 परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इस ऐतिहासिक युद्ध स्मारक को देखने दूर दूर से लोग यहां आते हैं। रात के वक्त इंडिया गेट पर तिरंगे की लाइटिंग सभी को आकर्षित करती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।